होप सो इनको भी हो गया होगा। नीतीश आ गए, चलो जावेद आओ गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो और टाइम इज नाउ स्टार्ट। चलिए गाइस, फर्स्ट डे मैं थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ। उसका रीज़न बस यही रहता है कि जो लोग भी थोड़ा बहुत किसी को टेक के बारे में कम प्रॉब्लम पता है तो उनको आसानी रहे। चलिए, आप सब में से किसी का भी कैमरा नहीं ओपन है सो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कैमरा वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चैट बॉक्स है, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके यहाँ पर चैट बॉक्स में डालते जाना, ठीक है। क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में डालते जाना, बट बोलूँगा जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ उस पर फोकस करना। चैट पे करोगे तो चैट में टाइप करने में तुम्हारा ब्रेन जो है उधर चला जाएगा, ठीक है। गाइस, हम लोग पीबी के अंदर इतना सब कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले इस पूरे बैच में कि आपको एक जस्ट आइडिया दे दे रहा हूँ कि पीबी का कोई भी वेयर हाउस होगा, कोई किसी भी तरह का सेट होगा, आप उसको प्रॉपर डिजाइन करके सबमिट कर पाएंगे। उसके एक एक एलिमेंट्स को ब्रीफ में मैं समझाने वाला हूँ। मतलब अगर राफ्टर है तो राफ्टर के कितने टाइप्स हैं, पर्लिन है तो पर्लिन के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। पर्लिन को लगाने के कितने कितने मेथड्स हैं, ठीक है। ब्रेसिंग्स है तो ब्रेसिंग्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और किस तरह से ब्रेसिंग्स लगा सकते हैं, मतलब हम लोग एक एक चीज़ों की डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। और इस तरह जाएंगे कि आपको किसी से प्रोजेक्ट लेना हो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं यार मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता हूँ, अब इतना तो सीख चुका हूँ मैं, ठीक है। इसके बीच में कॉन्सेप्ट हमेशा मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, मेरे कई ओल्ड स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनको पता है कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर एक हमेशा बोलता हूँ मैं कैलकुलेटर होता है, सो कैलकुलेटर से तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा बहुत ढेर सारे मैनुअल कॉन्सेप्ट लाइक सेस्मिक और क्या बोलते हैं विंड, ये सारे टॉपिक्स भी ऐड किया हूँ मैं, ठीक है। ऑलरेडी सारे कंटेंट बन चुके हैं, बट अभी लोगों को पता नहीं होगा कि पीबी होता क्या है। कई लोग इसमें से ऐसे होंगे जो एकदम न्यू होंगे पीबी के बारे में, तो आज का जो क्लास है ये पीबी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझा रहा हूँ पीबी होता क्या है, इसके बाद पीईबी के एलिमेंट्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। मतलब एलिमेंट के जो जो टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स में पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, आज हम देखेंगे पहले पीईबी होता क्या है। भाई काहे का टेंशन हो रहा है, काहे इतना जॉब आ रहे हैं पीईबी में, क्यों इतना डिमांड में है, सब कुछ आओ देखते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, कुंडली भी देखेंगे, सब कुछ इसका ध्यान रखेंगे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको फुल पेज कर दिया जाए, होप सो सबको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। किसी को कुछ भी इशू रहेगा तो चैट बॉक्स में देखना, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स के थोड़े से नॉर्म्स, क्या होता है और क्यों है मार्केट में इतना हाई, इसके बारे में समझेंगे। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स आर नथिंग बट स्टील बिल्डिंग विच एक्सेस स्टील इज अवॉइडेड बाई टैपरिंग द सेक्शन एज पर बेंडिंग मोमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब आपका जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है आप सामने देख सकते हो, अगर आपके पास कोई भी सेक्शन है, ठीक है, जैसे अगर एक कन्वेंशनल स्टील मानिए कोई भी आईएसएमबी 300 है, तो आईएसएमबी 300 को आप यहां से कहीं से भी कट नहीं कर सकते हो, जिस तरीके से इसको टैपर कर दिया गया है वो कर नहीं सकते हो, वो पूरा यहां से लेके यहां तक आईएसएमबी 300 आपको यूज करना पड़ता था। बट एक्चुअल में आपको यहाँ पर ज़्यादा स्टील की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ज़्यादा स्टील की और यहाँ कम, तो क्यों ना हम जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही प्रोवाइड करें, ठीक है। इसका एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं कहीं पर भी भर प्लेट, एक होता है ना कि एक प्लेट में इतनी रोटियाँ आएंगी और इतना इतना सब कुछ खाना है हमको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हमारा और आपका एज ऐसा है कि जो भी प्लेट में रहेगा हम उसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। सपोज 800 रुपए की प्लेट है और एक होटल में आप गए हैं, वहां पर फिक्स खाना मिलेगा, अब आपके लिए तो बहुत अच्छा था, बट अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो 5 साल का है उस प्लेट को खाएगा तो कितनी रोटियां खाएगा, अगर रोटी पूड़ी जो भी उसके अंदर होगा कितनी खाएगा, क्या वो पूरा फिनिश कर पाएगा क्या, नहीं। और जो ऑनर है जिसने परचेस किया 800 रुपए की एक प्लेट थाली, महंगी पड़ गई ना उसको, ठीक है। तो वही होता है कन्वेंशनल स्टील जिसमें फिक्स है कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अब उसमें इतना यूज हुआ या इतना, उस चीज पे लॉस होता था लोगों का।
तो उसी लॉस को रिकवर करने के लिए सबसे पहले ये इंडस्ट्री यूएस में आई, जहाँ से इसका बिगिनिंग हुआ। अभी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करूँगा। और उसके बाद देखा गया कि जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही दोना। बाद में पता चला काफ़ी बचत हो रही है, और तुमको पता ही है कि जिस चीज़ में बचत हो किसी का वो फटाफट ग्रो होता है, ठीक है। तो वही है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, ठीक है। थोड़ा और समझेंगे, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स आर फुल्ली फैब्रिकेटेड इन द फैक्टर डिजाइनिंग, देन ट्रांसपोर्टेटेड टू द साइट इन कंप्लीटली नोक डाउन, मतलब एकदम आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है, कंप्लीटली नोक डाउन। कंडीशंस एंड ऑल कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड एंड इरेक्टेड विथ नट बोल्ट्स। सब कुछ कैसे इरेक्टेड किया जाता है, नट बोल्ट की वजह से। अब नट बोल्ट से क्या फायदा होता है, नट बोल्ट एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके माध्यम से अगर कुछ कनेक्ट किए हो, आजकल एक साइकिल में देख रहा हूँ बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, उस साइकिल को पूरा फोल्ड करके आप रख सकते हो, जब आपको जरूरत हो असेंबल करके चला सकते हो, और काफी ज्यादा उसकी सेलिंग हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से नट बोल्ट के भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपको यूज करना है कहीं पर कोई भी एलिमेंट, वेयर हाउस हो या कोई शेड हो, तो नट बोल्ट से टाइट करके यूज करो। नहीं यूज करना है या फिर अब थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नट बोल्ट ओपन करो, उस मेंबर को घर पे ले जाकर रख दो, मतलब आपका पैसे का लॉस नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है नट बोल्ट्स का, देर बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ कम्प्लीशंस। उससे क्या होता है कि आपके टाइम का भी बचत हो जाता है। इसका एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। अभी आप लोग देखते होंगे ट्रक्स, आपके मार्केट में बहुत ढेर सारे ट्रक्स आए हुए, ट्रक के जो पीछे का बोनट होता है उसको डाला बोलते हैं, तो उसको अगर आप देखोगे तो वो आजकल मैक्सिमम लोग नट बोल्ट सिस्टम पे बनवा रहे हैं, ठीक है। किस पे बनवा रहे हैं, नट बोल्ट पे बनवा रहे हैं। रीजन क्या है कि उनको जिस तरह का मटेरियल वहां पर लोड करने को मिलता है उस तरह से काम करते हैं। अगर उनको कोई फैलने वाला लाइक मटेरियल मिल गया, तो नट बोल्ट को ओपन करके अपने ट्रक के डाला को देखा होगा आप लोगों ने, पीछे से ओपन कर देते हैं, और कोई पैक मटेरियल लाइक सीमेंट वगैरह मिल गया तो तुरंत ही उसको लॉक कर देते हैं और उनका काम हो जाता है। तो ये बेनिफिट है, जब जरूरत है तब लगाया, नहीं जरूरत है तो रख दिया, ठीक है जी गाइस। तो यही सब काम हम लोग प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में भी कर सकते हैं। स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर कैन बी डिजाइंड, स्टेट प्रो इसमें काफी लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बट मैं स्टेट प्रो के साथ ईटेस भी यूज करूंगा और टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर भी यूज करूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा एम है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, अगर वो स्टेट प्रो नहीं यूज कर रहे हैं, ई टैब्स या फिर टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर यूज कर रहे हैं, तो भी आपको ये न कहें कि आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं आता है और आपकी हायरिंग ना हो। तो हम तीनों आपको क्लियर करा देंगे, कॉन्सेप्ट तीनों में सेम रहेगा, लोडिंग प्रोसेस तीनों में सेम रहेगा, बस स्टेप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, जो जो और क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हम इसको क्यों यूज करें। अभी जो हमारा चल रहा है कन्वेंशनल मेथड, उसमें क्या कोई बुराई है, ठीक है, मतलब जो अभी प्रॉपर बन रहे हैं इस समय, उसमें कोई बुराई है, हम पीवी से उसको क्यों रिप्लेस करें। सीधी सीधी बात है कि अभी हम लोग का वो चल रहा है ना, जियो का सिम हम लोग यूज कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, तो हम जियो का सिम क्यों यूज करें, बीएसएनएल या अदर कंपनीज क्यों ना यूज करें, ठीक है, तो रीजन होना चाहिए ना। तो वही रीजन यहाँ पर भी हमको देना पड़ेगा, थोड़ी देर में देता हूँ रीजन, फिर एडवांटेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक ह्यूमन है, कोई भी इंसान है, तो उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है उसके बॉडी का, उसका ब्रेन, उसका माइंड, और ब्रेन माइंड एक ही है, ठीक है, उसका पैर, उसका हाथ, उसका मुंह, यही सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। उसमें से कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है, ठीक है। तो ऐसे ही पीईवी में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलम इज जस्ट लाइक फुट, आपका पैर, राफ्टर, अभी मैं दिखाता हूँ सब क्या होते हैं, ये दोनों सबसे मेन मेंबर्स हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप पर्लिन कहाँ लगाओगे, गेट कहाँ लगाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो कॉलम एंड राफ्टर इज प्राइमरी मेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, ठीक है जी। इसके बाद सेकेंडरी मेंबर्स में पर्लिन और गेट दिखाता हूँ आगे क्या होता है। ये हो गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम अगर आपके पास है, सेकेंडरी फ्रेम्स लाइक सीटिंग एंड एसेसरीज नहीं भी है तो कुछ ना कुछ आप जुगाड़ कर लोगे, बट इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। सीटिंग मतलब होता है कि उसके अंदर रूफ, रूफ आपने देखा होगा कोई टीन सेट यूज करता है, अलग अलग आजकल तो मार्केट में बहुत आ गए वेराइटीज, बताऊंगा आगे कौन कौन से हैं। वॉल भी लोग यूज करते हैं, वॉल के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये आपको वॉल क्यों यूज करना है, बगल बगल से बाउंड्री करोगे नहीं तो कुत्ते आ जाएंगे ना वेयर हाउसेस में, फिर
और डिस्ट्रैक्शंस होंगे, तो ये वॉल और ये रूफिंग्स और एसेसरीज जैसे आपके मोबाइल के साथ मिलता है, ऐसे इसमें भी कई चीज़ देखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वेंटिलेटर्स, स्काई लाइट्स, जिससे आपके जो वेयर हाउस होगा उसमें अंधेरा ना हो, और सब बहुत ढेर सारी मिसलेनियस रहती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आवाज़ बीच बीच में जा रहा है, अच्छा ऐसा हो सकता है, मेरे आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होगी, मैं इसको स्लो कर देता हूँ जी। चलिए, कंपोनेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग्स बिल्डिंग्स, देखा होगा सबने, गूगल पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत से लोगों ने वीडियोस इसके, तो कंपोनेंट्स पे फोकस नहीं किया होगा कि कौन सी चीज़ को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट पहले मेन कंपोनेंट डिस्कस कर लेता हूँ। दिस इज योर कॉलम्स, ये क्या है, कॉलम है। आप बोलोगे सर ये कौन सी नई बात है, हाँ जी, जैसे आरसीसी में रहता है वैसे इसमें कॉलम रहता है। ये जो पैनल होता है इसको बोलते हैं राफ्टर, इसको क्या बोलते हैं गाइस, राफ्टर बोलते हैं। ये राफ्टर है और ये कॉलम है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, प्राइमरी मेंबर्स हो गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, देखिए यहाँ पर पर्लिंस, क्या है पर्लिंस, ये देखो ये पर्लिंस है सारे के सारे, तो ये दूसरा मेंबर है पर्लिन जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर साइड वॉल्स, जिसको वॉल को लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर ये बीम्स हैं, और ये वॉल के जो भी गेट वगैरह लगाएंगे, जिससे कि क्या होता है कि अगर यहाँ पे पैनल डायरेक्ट लगा दिया वॉल का, तो उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो वॉल गेट प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि उसको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, अभी इसको हम लोग और आगे ब्रीफ में देखेंगे। अभी के लिए बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये कॉलम और ये राफ्टर, ये दोनों क्या थे, हमारे प्राइमरी मेंबर्स थे। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, पर्लिंस, क्या पर्लिंस, ये सारे पर्लिंस हैं। तीसरा गेट, अभी बस आप ये देख के रखो, और वॉल क्लैडिंग, रूफिंग, ठीक है, ये रूफिंग है और ये वॉल क्लैडिंग है। होप इतना आपका क्लियर होगा, ठीक है गाइस। अगर फर्स्ट क्लास आपका क्लियर हो गया तो आपके माइंड में इसके बहुत ढेर सारे पैनल्स पहले से ही फिक्स हो जाएंगे, आपके लिए आगे बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। सो फिर से याद रखना, राफ्टर, कॉलम्स, आपके पर्लिंस, ये आपकी वॉल क्लैडिंग्स और ये रूफ, ठीक है, रूफ सिस्टम बोलो, रूफ क्लैडिंग ये सब बोलो गाइस। पर्लिन जब देखते हो तो पर्लिन जो यूज करते हैं, हमेशा दो टाइप की पर्लिन यूज करते हैं। प्रोफेशनल पर्लिन केवल दो टाइप्स की यूज करते हैं, कौन कौन सी, एक होती है जेड पर्लिन और एक होती है सी पर्लिन। इसके भी एप्लीकेशन आगे हम देखने वाले हैं, इसकी थिकनेस देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड थिकनेसेस क्या क्या होते हैं। और जेड पर्लिन, सी पर्लिन, अभी के लिए आपके माइंड में टाइप्स ऑफ पर्लिन याद होना चाहिए जो मैक्सिमम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, जेड एंड सी। अब बात करते हैं भाई प्रोसेस की, प्रोसेस क्यों, प्रोसेस इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप कैसे किसी को सबमिट करके दोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स आर फुल्ली फैब्रिकेटेड इन फैक्ट्री आफ्टर डिजाइनिंग्स, मतलब फैक्ट्री में ही सारा देना है ना, मतलब सारा प्रोसेस कहाँ देना है, फैक्ट्री में ही तैयार कर लेना है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली नोक डाउन, ठीक है। और देखते हैं इसके प्रोसेस, प्रोसेस को तीन पार्ट में डिवाइड करना होता है। पहला पार्ट है बिल्ट लाइन, ठीक है, बिल्ट लाइन में हम लोग जो प्राइमरी चीजें मैंने आपको अभी दिखा दिया क्या क्या प्राइमरी होती हैं, ठीक है, आपको क्लियर होगा। पर जो प्राइमरी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें आप मैसेज करके मुझे बताओ, अभी अभी हमने बताया प्राइमरी मेंबर्स कौन कौन से हैं, मैसेज करके बताओ, आप चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में लिखिए प्राइमरी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। दूसरा होता है गाइड्स, कोल्ड फॉर्म लाइंस, करेक्ट, बिलाल ने किया है और शाह ने किया है, बाकी लोग क्या ठंडी में हाथ बाहर नहीं निकालना चाह रहे हो, सुशांत ने किया है, ओके गुड, ठीक है, कॉलम एंड राफ्टर, वेरी गुड, राहुल भी है, ठीक है, दिव्या ने बोला ओके रखा, कॉलम एंड राफ्टर, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मेंबर्स और सेकेंडरी मेंबर पता है तो बाकी भी नहीं भी पता है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। जैक बीन क्रेम ग्रेडर वो आगे है, वो अभी बताऊंगा, मेरे को उसके बारे में, ठीक है। तो अब बिल्ड लाइन में मतलब पहला प्रोसेस प्राइमरी मेंबर्स तैयार करते हैं, जिसमें हम आप सबने अभी बता ही दिया क्या क्या, कॉलम और राफ्टर, ठीक है। कोशिश किया करो सभी लोग हाथ बाहर निकालो रजाई से, नहीं तो नींद आ सकती है ठंडी का टाइम है, समझ के, ठीक है। और दूसरा जो मेंबर होता है उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है पर्लिंस और मिसेलिनियस पार्ट, जो उसमें गेट वगैरह ये सारी चीज रहती हैं, वो तो गेट है उसे पर्लिंस है ये सारा कुछ, तो सबसे पहले इसको तैयार करते हैं कंप्लीट
लोग डिज़ाइन कर देते हैं, और इसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ से डिज़ाइन करते हैं, और फिर तीसरा है सीटिंग। सीटिंग मतलब पैनल्स। तो बस ये तीन पार्ट आपको याद रखना है, बिल्ट वाला पार्ट, दूसरा कोल्ड फॉर्म लाइन वाला पार्ट, तीसरा सीटिंग्स। इसमें उसके सारे वो सारी चीज़ें आ गई, एसेसरीज आ गई सारी, और उसकी पॉलिंस आ गई, और गेट वगैरह आ गया, इसमें आपका कॉलम और राफ्टर आ गया, इसमें सीटिंग में जिसमें रूफ के लिए और जो थोड़े एक्स्ट्रा एसेसरीज लगते हैं कॉर्नर पे, भी दिखाता हूँ सबके बारे में वो सब कुछ। और जब सब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट नॉक डाउन, तो उसको सीप कर दिया जाता है, शिपमेंट, ठीक है, कोरियर कर दो ब्लू डार्ट से, ठीक है जी। तो ब्लू डार्ट से मत करना, वो भेजेगा नहीं और इतना पैसा ले लेगा। ब्लू डार्ट का मैं भी गया था एक जगह, मुझे याद आया, मुझे एक मोबाइल सेंड करना था किसी को, तो मैंने बोला कि वो मोबाइल 10,000 का है, था वो 15-16 हज़ार का, हाँ 15,000 का है। तो मैंने बोला कुरियर चार्ज कितना लगेगा, तो उसने बोला 600। फिर मैंने बोला अगर इस मोबाइल का चार्ज मतलब प्राइस 2,000 होता तो उसने बोला कि 2,000 अगर होता तो इसका मैक्सिमम 250 रुपये लगता। तो मैंने बोला 2,000 ही डाल दो। तो उनका प्राइस जितना वैल्यू रहता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, तो इसका वैल्यू तो करोड़ों में होता है, तो हम लोग शिपमेंट में ही लग जाएगी। चलिए थोड़ा सा रिसर्च देखेंगे हम लोग। रिसर्च मतलब कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस पर वर्क करके रिजल्ट हमें दिया हुआ है, जिसको हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि भाई इससे बेनिफिट क्या क्या होता है, ठीक है। इन्होंने एक एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, ये प्रोफेसर साहब है, ठीक है, इन्होंने एक एनालिसिस किया हुआ है जिसमें इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, और बड़ा अच्छा इन्होंने एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है। क्या इन्होंने किया, इन द प्रेजेंट वर्क स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर हैज बीन यूज इन ऑर्डर टू एनालाइज द डिजाइन प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स एंड कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स। दे हैव थ्री एग्जाम्पल, तीन तरह के एग्जाम्पल इसमें हमने ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि यार एग्जैक्टली बेनिफिट क्या हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम मैंने बोला स्टैट प्रो की बात आए तो सारे सॉफ्टवेयर माइंड में रख लेना। पहला सैंपल्स जो रखा गया वो एक 3D मॉडल रखा गया, किसका, हॉस्टल बिल्डिंग्स का, और हॉस्टल बिल्डिंग्स को PEB से भी डिजाइन किया गया और कन्वेंशनल बिल्डिंग भी तैयार की गई, ठीक है। PEB सेक्शन डिजाइन किया गया और कन्वेंशनल भी डिजाइन किया गया। तो देखा गया कि PEB के माध्यम से जब उस हॉस्टल को बनाया गया तो उसमें स्टील यूज हुआ 369.24 किलोन्यूटन। कितना यूज हुआ गाइस, 369.24 किलोन्यूटन। और उसी चीज को जब कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मतलब समझ रहे हो ना, सबको क्लियर होगा होप, जिसमें आई सेक्शन, टी सेक्शन, जारी जो पुराने हम लोग पढ़ते थे सारे सेक्शन, वो सब कुछ अभी उसको भी दिखाऊंगा आगे उसके एग्जाम्पल्स। तो उससे जब बनाया गया तो पता चला कि हमें टोटल जो स्टील यूज हुआ 491.64 किलोन्यूटन। तो हमें क्या पता चला कि अगर इसको रुपए में थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो एक मिनट के लिए, तो जहां आपका काम 370 में हो सकता था, आप उसको 490 में क्यों करोगे? इफ ये पॉसिबिलिटी जिसकी यहाँ पर 370 रुपए के आसपास में आपका काम हो जाएगा, तो आप 490 क्यों दोगे उस चीज का? तो यहाँ पता चला कि इंजीनियरिंग बिल्डिंग वेट 25% लेस, और 25% की मार्जिन आप समझ सकते हो, अगर जहां पर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कितना सेव कर रहे हो आप, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। दूसरा यहाँ पर एक और मॉडल लिया गया, जिस मॉडल में कुछ और नहीं किया गया, सिंपल सा एक फ्रेम बनाया गया, 2D प्लेन फ्रेम ऑफ वेथ 44 मीटर। मेरा कुल मिला के कॉन्सेप्ट बस आज आपके दिमाग में यही देना है कि PEB के बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, ये समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। 2D प्लेन फ्रेम ऑफ वेथ 44 फॉर बोथ PEB एंड कन्वेंशनल, दोनों के लिए सेम रखा गया, 44 मीटर विड्थ का एक कंप्लीट सेट बनाया गया। तो डिजाइन इज कंपैरिजन हैज बीन मेड इन द टर्म्स ऑफ वेट ऑफ स्टील, PEB इज डिजाइन नॉट क्लियर ऑफ 44 मीटर विदाउट कॉलम बिटवीन, ठीक है। सबसे अच्छी चीज क्या कही गई, PEB में बीच में कोई भी एक्स्ट्रा आपको कॉलम नहीं देना पड़ा, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है ना कि अगर आप कोई पार्किंग मान लो बना रहे हो, अब पार्किंग में अगर बीच में बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से गाड़ी पास होगी कि नहीं, और बीच में जब कॉलम ही ना देना पड़े तो बीच में कॉलम ना देना पड़े तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। वही हुआ इसके साथ, नॉट इन केस ऑफ कन्वेंशनल फ्रेम। कन्वेंशनल फ्रेम में पॉसिबल नहीं हुआ कि 44 मीटर क्या बोलते हैं, क्लियर स्पेन मतलब उस सेंटर से उस सेंटर तक की डिस्टेंस, 44 मीटर के लिए कन्वेंशनल मेथड से पॉसिबल नहीं हुआ कि बीच में कोई सपोर्ट ना दे,
अगर सपोर्ट नहीं देते बीच में तो फेल कर जाता। तो सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट हुआ कि नोटिस दैट इवन थ्रो पीईबी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइडेड क्लियर स्पैन, इट वेट 10% लेसर। ठीक है, बीच में कोई सपोर्ट भी नहीं दिया गया, उसके बाद भी 10% कम ही वेट पड़ा उस बिल्डिंग्स के लिए। तो आपने देखा, फर्स्ट वाले में भी आपका बेनिफिट हो रहा है, दूसरे वाले पीवी में भी आपका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में देखा आपने, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, जस्ट एक कोई बिल्डिंग है जिसकी स्पेसिंग रखी गई 8 मीटर, तो फ्रेम यूज हुआ उसमें 11। ठीक है, और वेट आया इतना और इतना, स्पेसिंग्स बढ़ाई गई, आप डॉट चेंजेस देख सकते हो कि आपका स्टील यहाँ पर कम होता चला जाएगा। स्पेसिंग्स 10 की गई, 10 मीटर कर दी गई, तो फिर आपके फ्रेम्स कम हो जाएंगे ना। सीधी सीधी बात है कि कोई 5 मीटर का स्पैन है, उसमें एक एक मीटर पर लगा रहे हो कि दो दो मीटर पे, तीन तीन मीटर पे, तो इस आपकी नंबर ऑफ फ्रेम्स कम होते जाएंगे। 10 मीटर पे था तो 9, और 11 मीटर पे था तो आप देख सकते हो, और इसके बाद 13 मीटर पे तो और कम। तो लास्ट में आपने देखा कि 8 मीटर से जब 13 मीटर पर हम लोग आ रहे हैं, तो स्टील की क्वांटिटी में आप देख रहे हो 8,602 किलोन्यूटन और 8,528 किलोन्यूटन। ये जब बड़े स्केल में इनके पैरामीटर्स देखे जाते हैं तो पता चलता है कि जहां पर लॉन्गर स्पैन की जरूरत है, वहां पर कोशिश करो कि स्पेसिंग्स दूर दूर प्रोवाइड करो, और ये काम केवल पीईवी ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, मेरा बस यही एम था इस रिसर्च पेपर को दिखाने का। ठीक है, चलिए इसके आगे, इसमें थोड़ी एक टर्म और है, बट उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले कुछ और पढ़ाएंगे तभी हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंस। ठीक है, यहां तक में किसी को होप डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये पेपर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन है, शियर फोर्स है, मैक्सिमम मोमेंट है, तो ये थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, पहले और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ चीजें इसमें और उसमें कॉमन रहेंगी, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर लेना। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स को थोड़ा और ब्रीफ में देता हूं। प्री डिफाइंड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दैट कैन सेटिस्फाई अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल एस्थेटिक डिजाइन रिक्वायरमेंट। मतलब आपका लुक को भी ये हेल्प कर रहा है, लुक के साथ ही साथ आपको ये किसमें, मतलब ये स्ट्रक्चरल टर्म में भी आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और ये दोनों टर्म में अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक अगर कोई बाइक का एग्जांपल लिया जाए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैं पल्सर को देखता हूँ, पल्सर जो बाइक है उसका लुक भी बेहतरीन है, और मैं वैसे चलाया नहीं हूँ, बट लोग बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी बहुत अच्छी है, लुक भी अच्छा है, और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल टर्म में भी वो बहुत अच्छा है, इसीलिए उसकी सेलिंग जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सेम बुलेट के लिए भी आप ले सकते हो, जो भी एग्जाम्पल आप लो। तो ये दोनों काम में कौन अच्छा है, पीईबी अच्छा है, तो इसलिए लोग इसको प्रीफर करते हैं। एंड इफिशियंटली डिजाइन प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स कैन बी लाइटर दैट द कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स अप टू 30%। सीधे सीधे फिर से, अगर आपका जो वेट है वो 30% तक रिड्यूस हो सकता है, तो कोई कैसे नहीं इस चीज को प्रीफर करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो मतलब जिसके माइंड में ये है कि इसका स्कोप है कि नहीं इंडिया में इन फ्यूचर, तो आप सामने देख लो, स्कोप क्यों नहीं होगा। कमलेश बोल रहे स्क्रीन विजिबल, विजिबल है भाई, एक बार बंद करके आ जाओ, विजिबल है सबको। ठीक है, तो जिसमें 30% तक की बचत हो सकती है, तुरंत आदमी उस पर प्रीफर करेगा। सो स्कोप के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, बल्कि बढ़ेगा। बेसिकली दीज आर प्रोड्यूस एट द फैक्ट्री विथ हाई टेंसाइल स्टील मटेरियल बाई कलेक्टिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द सेट बिल्डिंग्स लेंथ विड्थ एंड हाइट एक्सेट्रा। देखो, ये सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है। क्या कोई चीज जब फैक्ट्री के अंदर बनती है, तो आप देखोगे कभी फैक्ट्री के अंदर जाना, मैं गया हूँ इसके पीवी के फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के अंदर जब आप जाओगे तो वहां देखोगे मेजरमेंट जो होता है एक्यूरेट लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम इंजीनियर ही रहते हैं जो कि उसको मेजरमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली वो एमएम और मीटर में काम कर रहे हैं, तो एमएम में एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस में बन रहा है, फैक्ट्री में, और हाई टेंसाइल स्टील। अभी टेंसाइल स्टील इसमें कौन कौन सा मार्केट में यूज करते हैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, और सबसे बेस्ट कौन सा रहता है वो भी करूंगा, बट अभी इंट्रोडक्शन में ही रहे तो बेटर रहेगा। ठीक है, मटेरियल बाई कलेक्टिंग गियर,
तो लेंथ विड्थ हाइट एक्यूरेट मिल जाता है। अगर हमको 3.6 मीटर की हाइट चाहिए तो उतना ही मिलेगा, 3.61 नहीं मिलेगा। एक अच्छी चीज आती है। ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कन्वेंशनल से कम रहता है सर। यस, और लगाने का भी कॉस्ट अभी मैं दिखाता हूँ उसमें कैसे रिड्यूस करते हैं लोग। द आइडिया वॉज दैट सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर बेंडिंग मोमेंट विच लीड टू बी सेविंग इन स्टील एंड डेवलपमेंट ऑफ पीईबी कॉन्सेप्ट। ये जो लाइन है ना, यही दो लाइन पूरा क्लियर कर देती है कि आपका पीईबी के पूरा थॉट क्लियर कर देता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जहां देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द आइडिया वॉज दैट सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर बेंडिंग मोमेंट, मतलब जिस तरह की जिसकी जहां पर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, जहां पर ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहां ज्यादा, जहां कम आ रहा है वहां कम। यही लाइन पूरा का पूरा पीबी ही है और कुछ सोचना ही नहीं है। विच लीड्स द सेविंग इन स्टील एंड डेवलपमेंट ऑफ पीबी कॉन्सेप्ट। इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये ऐसे आप लोगों ने बुफे में खाया होगा, आप लोग में से कई लोग गए होंगे। बुफे एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको जितना खाना है, आपका प्राइस फिक्स रहता है, उसमें जितना खाना है उतना आप खा सकते हैं। उसमें जो बुफे को चला रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो कई कोई ज़्यादा खाएगा कोई कम खाएगा, तो रेशियो में वो बेनिफिट में रहता है, रेशियो में वो बेनिफिट में रहता है। सेम यहाँ पर भी है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ ज़्यादा वहाँ ज़्यादा स्टील, जहाँ कम वहाँ कम। क्लियर। चलिए अब इंट्रोडक्शन लगभग लगभग हम लोग का ख़त्म हो गया, आपके माइंड से चीज़ें आ रही होंगी पीबी के लिए कुछ। ये आपकी कन्वेंशनल बिल्डिंग्स थी जिसमें मैंने बताया कि अगर आपने आईएसएमबी 400 यूज कर लिया तो अब देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी 400 की, फिर भी देना पड़ेगा। क्यों? अब क्या इसको मशीन से काटोगे? नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये मेंबर ही पूरा फिक्स है, ठीक है। तो पूरा स्टील हमको लेके जाना पड़ा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर स्टील की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो कोई बात नहीं, जहाँ जिसको जितनी रिक्वायरमेंट उतना दो ना। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टील दे दिया, यहाँ देखा कि कम रिक्वायरमेंट थी तो हमने कम दे दिया, यहाँ देखा कम तो कम कम। आपका ये डायग्राम है यही इंडिकेट कर दे रहा है कि मैं बेंडिंग मोमेंट भी निकालना आपको बता दूंगा, सो टेंशन मत लेना। मतलब कई लोग को तो आता ही है, बट फिर भी अगर जिसको नहीं आता उसको क्लियर कर दूंगा मैं। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर हमने ज़्यादा स्टील यूज कर दिया, जहाँ कम वहाँ कम। क्लियर है? दिस इज द कह सकते हो कि 50% ऑफ द प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, जिसको ये आ गया सब आ गया। एग्जाम्पल है प्री इंजीनियरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके एडवांटेज, भाई क्यों यूज करें, बार बार अभी भी आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो यहाँ से क्लियर कर लो। पीबी सिस्टम इज जीरो मेंटेनेंस एंड सुपीरियर इन स्ट्रेंथ देन कन्वेंशनल, ठीक है। इसमें मेंटेनेंस जीरो नहीं बोलेंगे बट कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है उससे बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है पीईबी में। अब सुपीरियर इन स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने देख ही लिया क्यों ज़्यादा होता है, भाई जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट वैसे दिया है, देन कन्वेंशनल। लोअर कॉस्ट, कॉस्ट कैसे रिड्यूस हुआ, स्टील का प्राइस तो सेम है, ऐसा नहीं कि स्टील का प्राइस कम हो गया, जरूरत स्टील की कम हो गई तो अपने आप क्या हो गया, प्राइस रिड्यूस हो गया, ठीक है, प्राइस तो स्टील का सेम रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्यों हो रहा है भाई, क्वालिटी कंट्रोल इसलिए हो रहा है कि एक सिविल इंजीनियर जब आपको टीच कर रहा है तो सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कर रहा है। अगर यही चीज़ एक ट्वेल्थ या हाई स्कूल पास लड़के ने तुमको यही चीज़ पढ़ाया होता तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता ना, उसको नहीं पता चलता है कि यार ये बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल होता है, जब फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ें बनती हैं उसको कितना हीट की रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर सेट कर देते हैं, ठीक है। उसको अगर बेल्डिंग करना है फिर बोल्टिंग करना है तो कितने एमएम का बोल्ट वहाँ के लिए प्रॉपर है वो चेक कर पाते हैं। तो दीज आर द टर्म्स जिससे क्वालिटी कंट्रोल रहता है। लार्ज क्लियर स्पैन, आपने अभी अभी देखा 44 मीटर में एक भी बीच में कोई भी स्पैन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। इसका बेनिफिट कहाँ होता है, अभी मैं घर से आ रहा था पुणे एयरपोर्ट पर देखा तो वहाँ पर जो आपकी एयरपोर्ट्स पे जो भी एरोप्लेन्स रखने के लिए बनाते हैं बहुत बड़ा सेक्शन लगता है उसको एयरपोर्ट मतलब कि एरोप्लेन को वहाँ अंदर रखने के लिए।
अब वो बड़े सेक्शन को रखने के लिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे, तो वैसे तो मैंने उस पर काम नहीं किया है, बट मेरा अंदाज ये है कि बीच में कई ढेर सारे स्पैन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एरोप्लेन काफी वाइड होता है। बट मैंने जो देखा वो पीईवी था, प्रॉपर सेट हो गया, एक कॉलम इधर एक कॉलम इधर, ऐसा लग रहा है जैसे कार की पार्किंग हुई है वहां, एरोप्लेन पार्क हो गई थी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आप समझ सकते हो कि लार्ज स्पैन, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट, देयर बाय इंश्योरिंग सुपीरियर क्वालिटी एंड फिनिश। ठीक है, लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छा बना है तो डेफिनेटली कोई टेंशन ही नहीं होगा आज द इनकॉर्पोरेट फ्यूचर एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सपोज मैंने आज एक क्लासरूम बनवाया, ठीक है, क्लासरूम का साइज रखा 30 मीटर बाई 50 मीटर, कल को मेरे क्लासरूम में ज़्यादा बच्चे हो गए, ठीक है, तो अब मुझे उसको आरसीसी के थ्रू ब्रेक नहीं करना है, एक्स्ट्रा स्पेंस लेके आओ, उसके पीछे बोल्ट से टाइट कर दो, तो 50 मीटर की जगह पे 30 मीटर और एक्स्ट्रा कर दो, 80 मीटर का स्पेन कर दो, कोई भी खर्चा नहीं आया हमारा एक्स्ट्रा, जो पीछे स्पेन लगा बस वही आया। तो इसमें न तोड़ना पड़ रहा है उसको, न ही उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, आप ऑटोमेटिक एक्सपेंशन कर सकते हो। कई लोग स्कूल वगैरह बनाते हैं ना, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत से लोग स्कूल वगैरह तैयार करते हैं, तो उनका थॉट ये रहता है कि पहले छोटा कमरा बनाते हैं, फिर जब ज़्यादा बच्चे आने लगेंगे तो स्कूल को बड़ा करेंगे, तो उस चक्कर में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के फिर नई बिल्डिंग बनाते हैं। उससे कहीं बेटर है ये कॉन्सेप्ट फॉलो करें फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है भाई, अगर एडवांटेज है किसी चीज का तो डिसएडवांटेज थोड़ा बहुत तो रहेगा ना। नॉट यूज फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्यों नहीं यूज करते हैं? वैसे तो बहुत ढेर सारे रीजंस हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रीजन है, तो क्या होता है कि ये बोल्ट सिस्टम पे ज्यादातर रहता है। ठीक है, अच्छा लास्ट सिस्टम नहीं क्लियर है, ओके, इजर टू इनकॉर्पोरेट फ्यूचर एक्सपेंशन, मतलब कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसके चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब आज हमने जितना एक्सपेंड किया है उससे कहीं ज़्यादा हमको ऐड करना हुआ तो बाद में एक्स्ट्रा मेंबर्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में वहां पर बता रहे हैं साजिद। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज ये है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जब जाते हो तो ये पूरा बोल्ट सिस्टम पे बना हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्लैब बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर उसके, ठीक है, तो जब हम लोग सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या फिर विंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो विंड तो कम बट सेस्मिक ज़्यादा इफेक्ट करता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को। ठीक है, कैसे, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग्स है, ठीक है, इसमें हो सकता है ना पॉइंटर वाला, यहाँ से होता है ना ये पे, ये मान लो कि हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, अब यहां पर ही सबसे मेन कनेक्शन रहेगा, फिर हो सकता है इसके ऊपर भी ले लो एक, तो अर्थक्वेक जो है, आप सब में से मैक्सिमम लोग पढ़े हैं आरसीसी में, मेरे से ही पढ़े हैं कई लोग, तो उसमें क्या आपको पता है कि चाहे विंड हो, विंड भी क्या करता है, ऊपर जाते जाते हमेशा उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, विंड का प्रेशर ऊपर हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रेशर बढ़ता जाता है, विंड ऐसे चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ बहुत नॉमिनल रहेगा और यहाँ पर विंड का प्रेशर एकदम हाई हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ पे विंड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर नट बोल्ट का ज्वाइंट है, ठीक है, तो वो बार बार क्या करेगा, उस पर लेटरल इफेक्ट्स डालेगा, लेटरल इफेक्ट्स आएगा तो इसके ज्वाइंट्स जो होते हैं वो ढीले हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम होगी, सेम प्रॉब्लम अर्थक्वेक की वजह से होता है, अर्थक्वेक फिलहाल तो जिगजैग चलता है, बट अगर वो नीचे की तरफ इफेक्ट किया तो कम करेगा, ऊपर की तरफ इफेक्ट ज़्यादा करता है, तो इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ये अभी सक्सेस नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बेल्डिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली बेल्डिंग कर सकते हैं, बट बेल्डिंग्स में भी क्रैक डेवलप होते हैं, फटीक हो जाता है। ठीक है, तो अभी उसको आगे दिखाऊंगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ये सक्सेस नहीं है, नहीं तब तक में हर तरफ आपको पीई भी दिखता। बट वेयर हाउस वगैरह क्या है, उसमें मेयर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक कभी भी देखो कि जब बड़ी फैक्ट्रीज होती है, ऐसे मान लो उसकी हाइट है, तो आपने देखा होगा अगर उसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा हाइट रहती है, मल्टी जो वेयर हाउसेस रहते हैं, सपोज 5 मीटर ले लिया, तो आप बोलोगे सर फिर मल्टी स्टोरी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, वो लोग एक मेजनियन फ्लोर बना देते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा हाइट पर जाओगे तो उनके पास एक स्लैब पड़ी होती है इस तरीके से,
इसको बोलते हैं मेजनियन फ्लोर। तो ये उनका एक तरीके से काम करता है मल्टी स्टोरी का, ठीक है जी। तो होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि नॉट यूज फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। दूसरा, टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड ऑन साइट, ठीक है। क्यों टेक्निकल पर्सन चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको जो कनेक्शंस देने हैं वो प्रॉपर जो कनेक्शन डिसाइड किया गया है वही कनेक्शन देना पड़ेगा। इरेक्शन के टाइम पर अगर मान लो यहाँ पर एक कॉलम प्लेस करना है और मैंने मार्किंग यहाँ दी हुई है तो यहीं पर करना है, 5 mm इधर उधर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। गलती से अगर ये यहाँ पर हमने मार्क दिया है आपको प्लेस करने का और आपने यहाँ कर दिया तो क्या होगा, उस लाइन के सारे कॉलम का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ नहीं कि आपका स्ट्रक्चर खत्म, फिर उसको ना राफ्टर सपोर्ट कर पाएगा ना ही कोई दूसरा सेक्शन कर पाएगा। ये अभी कम कोरिलेट कर पाओगे, आगे थोड़ा सा बढ़ने पर कर पाओगे इस चीज को। स्पेशल मशीनरी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज फैक्ट्री खोलना चाहूँ तो मैं आज ही फैक्ट्री खोल पाऊंगा, क्यों भाई, ठीक है। आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या है, आज से मैं चाहूँ तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बट इसमें पहले स्पैन बनाने के लिए हमको मशीन तो चाहिए ना, ठीक है। मेंबर्स बनाने के लिए हमको मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, तो इसमें एक तरीके से बोल सकते हो खर्चा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए एक कॉमन पर्सन डायरेक्ट इसकी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए उसको लागत थोड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी, तो ये डिसएडवांटेज है। डिज़ाइन ऑफ मेंबर टेक्स मोर टाइम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज के बेंडिंग मोमेंट पर ही सब कुछ डिसाइड है, ठीक है। तो इसलिए एक एक मेंबर को हमको चेक करना पड़ता है कि इस मेंबर का बेंडिंग मोमेंट कितना जा रहा है इस मेंबर का। और प्लस यहां से ले सपोज ये राफ्टर है, ये अब यहां पर एग्जैक्टली बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, और यहां कितना है, यहां कितना। तो ये जो होता है ये टाइम ले लेता है कि एग्जैक्टली हमको एक एक चीज को चेक करना है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज कह सकते हो। तो होप आपको चारों डिसएडवांटेज क्लियर होंगे होंगे। कोई पूछता है तो आप बताओ उनको कि नॉट यूज फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड होता है इसलिए थोड़ा भाई देखना पड़ता है, स्पेशल मशीनरी का खर्चा रहता है क्योंकि फैक्ट्री में बनाना है सब कुछ, और डिजाइन ऑफ मेंबर्स टेक मोर टाइम, ये एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी क्लियर होगा आपको, एडवांटेज तो मैंने कई ढेर सारी से बता दिया आपको, होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मैंने इसको ओपन किया मतलब इस इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश की तो इसमें हमको कहाँ कहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या फिर अगर मैं जॉब के लिए ट्राई करना स्टार्ट करूँ तो किस किस तरह की कंपनीज में अप्रोच कर सकता हूँ इस स्किल के बेस पे। आज मान लो आपने पीवी सीख लिया, ठीक है, तो जैसे आरसीसी सीख लिया तो तुरंत आप ब्रह्मा क्रॉप, प्रेसियन प्रीकास्ट और साईटेक इंजीनियर्स और बहुत ढेर सारी कंपनी में अप्रोच करोगे ना जो बिल्डिंग्स की कंपनी है। इसमें मार्केट में देखो कौन कौन सी कंपनी है वो जो वेयरहाउस बना रही है, ठीक है, बहुत ढेर सारी है, टाटा ब्लू स्टैक्स है, ठीक है, और भी बहुत ढेर सारी करके है, मैंने देखा है KKET करके है, और भी बहुत ढेर सारी कंपनीज हैं जो वेयरहाउस तैयार कर रही है। तो आप खुद को अप्रोच करना है आपको तो वेयरहाउस बनाने वाली सारी कंपनियों से आप कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सेट्स बनाते हैं बहुत ढेर सारी कंपनियां, इंडस्ट्रियल सेट्स उनको भी अप्रोच कर सकते हो। फैक्ट्री का जहां पे काम होता है, ठीक है, वहां पर भी आप अप्रोच कर सकते हो। वर्कशॉप बनानी है वहां पर, ऑफिस बनाना है, किसी ने कहा कि यार मुझे अपना ऑफिस तैयार करना है तो बोल दो हम आपको काम करके दे देंगे। गैस स्टेशंस, व्हीकल पार्किंग सेट्स, आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ इसको, व्हीकल पार्किंग में अभी हमारे सिटी में मैंने देखा मल्टी स्टोरी और भी मेरे अपार्टमेंट में ही इसी का पूरा व्हीकल पार्किंग के लिए बहुत यूज कर रहे हैं इसको। और वेयर हाउस के लिए तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर हाउस है, उसे तो कोई कहीं नहीं सकता। शोरूम्स भी बनाने लगे हैं और एयरक्राफ्ट हैंगर्स, और मैं अभी बताया था ना एयरक्राफ्ट हैंगर्स के लिए, तो अभी अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाओगे तो बहुत लफड़ा होता है और यहाँ पर ये लफड़े कम होते हैं। स्कूल्स के लिए भी क्या बोलते हैं, अभी धीरे धीरे ट्रेंड जैसे जैसे बढ़ रहा है स्कूल के लिए भी लोग बना रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आप लोग देखोगे बड़े शहरों में, अभी जैसे पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में फुटबॉल के स्टेडियम बनाते हैं, बैडमिंटन के स्टेडियम्स बनाते हैं छोटे छोटे, उसको रेंट पे देते हैं लोग, ठीक है, उसका कुछ चार्जेस रहते हैं 1100-1200 रुपये घंटे के हिसाब से। तो वो सारा कुछ इसी का, किसका, पीबी का ही बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है,
ऑफकोर्स आप सबको पता है कि बैडमिंटन का जो ग्राउंड रहेगा, फिलहाल मुझे मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बता पाऊँ कितना, बट मैं देखा हूँ बहुत हाई स्पैन की रिक्वायरमेंट होती है बैडमिंटन ग्राउंड्स के लिए। तो उसके लिए आपको यही एक ऑप्शन है जिसमें बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अब पता चला आपने बीच में एक इधर एक ऐसे ढेर सारे सपोर्ट दे रखे हैं तो मजा आएगा क्या उसमें बैडमिंटन खेलने में? नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए इसके लिए सबसे बेस्ट है। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, देखो लो इंडोर स्टेडियम्स, इनके चार्जेस रहते हैं, और ये पार्किंग स्लॉट्स आप देख रहे हो कितने लंबे लंबे स्पेस मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो डेफिनेटली बेनिफिट तो होना है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स देखो, यहाँ पे मेजनिन भी कई बनाया होगा, देखो ये अगर चाहेंगे तो इन फ्यूचर या फिर अभी भी ये यहाँ पर, ये देखो जो कॉलम इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ पर मेजनियन फ्लोर बना सकते हैं, तो एक सपोर्ट के लिए इनको हो जाएगा। और ये आपका मेट्रो के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, मेट्रो के लिए तो मैक्सिमम काम अभी इसी पर हो रहा है, ठीक है, ये देखा भी होगा आपने डेली वगैरह में। वेयर हाउस सबसे, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मोमेंट ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली क्या किया, यहाँ पर हाई स्टील प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पर कम हो गया तो कम कर दिया, यहाँ पर मेंबर और कम कर दिया क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कम आ रहा होगा, ठीक है। देखो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं बट इनमें लिमिटेशंस है, ज़्यादा हाई राइज लोग नहीं प्रीफर कर रहे हैं, 40 मीटर के आसपास लोग स्टॉप करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हाई राइज जाना चाहते, तो हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत कम बन रहे हैं। मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बताया फेमस है, मेट्रो स्टेशन पे आप देखो इस तरह का स्पैन आप बना पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं इसी की कृपा है, नहीं तो फिर वो मेथड से जाते तो ऐसे जाते फिर ऐसे जाते फिर ऐसे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको पुणे एयरपोर्ट का एग्जांपल, तो ये देखो सिंगापुर लेके चलता हूँ तुमको, सिंगापुर में भी आपको ये फैसिलिटीज मिल जा रही है भाई, ऐसा लग रहा है कार पार्क किया आपने। चलिए अब बात आ गई उस लड़ाई की कि जिससे हम लड़ सकें कि भाई क्यों, तो ये देखो पहला तो आपको बता ही दिया 30% लाइटर है, कोई टेंशन ही नहीं है, हैवी सेल वेट है कन्वेंशनल का, इसका देखो इसका कॉलम भी हैवी है, इसका बीम भी हैवी है, तो ये हैवी प्रॉब्लम में फंस गया। ये प्राइमरी मेंबर्स टैपर सेक्शन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी मेंबर कौन था अभी पहले इस पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कौन, ये कॉलम और राफ्टर, तो क्या बोल रहा है ये प्राइमरी मेंबर्स इज टैपर सेक्शन, इस तरह के सेक्शन को क्या बोलते हैं टैपर सेक्शन, आपके सामने है ये भी टैपर सेक्शन आपके सामने है, और यहाँ पर प्राइमरी मेंबर जो होते हैं वो आई सेक्शंस ज़्यादातर यूज करते हैं। सेकेंडरी मेंबर्स में आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखा दिया है क्या जेड, और दूसरा ये भी आपको दिखा रखा है कि सी सेक्शन भी यूज करते हैं, और इसमें भाई साहब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आई सी और आई और सी दो ही एग्जाम्पल हैं और दोनों ही बहुत हैवी होते हैं, आपने देखा होगा चैनल सेक्शन भी देखा होगा और आई सेक्शन भी देखा होगा, चैनल सेक्शन ऐसा रहता है ये ऐसे, जिसको नहीं पता है ये देखो ये चैनल सेक्शन है और आई सेक्शन ऐसा रहता है, तो दोनों ही हैवी होते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जी। होप समझ में ये क्लियर हो गया होगा कि भाई फ़ायदा क्या क्या है, और अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आज अगर ऑर्डर दिया तो 6 to 8 वीक में, 6 to 8 वीक में पॉसिबल है कि ये काम आपका रेडी हो जाएगा, आपका जो भी वेयर हाउस वगैरह है तैयार हो जाएगा। अब 8 वीक मतलब 2 महीने के अंदर तैयार, यहाँ पर आपको 20 से 26 वीक्स मतलब 6-7 महीने लग जाएंगे, और अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो जितने महीने लेट हो रहे हैं आप समझ जाओ उतना आपका लॉस होगा। फाउंडेशन सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट लाइट वेट, देखो क्या होता है इसमें लाइट्स का वेट कम होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर फ्लैट फुटिंग करते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा फुटिंग्स, तो क्या होता है कि जल्दी बन जाता है फुटिंग क्योंकि ज़्यादा हैवी फुटिंग बनाने के टेंशन नहीं रहता है। इसमें क्या होता है फाउंडेशन हैवी फाउंडेशन बनते हैं क्योंकि सेक्शन हैवी रहता है, पैड फुटिंग्स बनती है इसके अंदर। इरेक्शन कॉस्ट एंड टाइम एक्यूरेटली नोन, मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि कॉलम को प्लेस करने में, एक बीम को प्लेस करने में कितना टाइम लग सकता है, सो कॉस्ट आपकी कम हो जाती है क्योंकि बोल्ट ही तो करना है, ले जाके फटाफट प्लेस किया बोल्टिंग कर दिया, और इसमें 20% एक्स्ट्रा, मतलब अगर आपका इरेक्शन कॉस्ट जो लग रहा है 1 लाख रुपये लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 80,000 में ही काम हो जाएगा, छोटा एग्जाम्पल दिया। इरेक्शन प्रोसेस इजी फास्ट स्टेप बाय स्टेप, जिसको पता है आगे मैं आपको क्या बोलते हैं कल या परसों में एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको स्टेप वाइज कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिक्स है इसका स्टेप, मतलब आप थोड़ा सा भी नॉलेज है आपके पास तो आप काम करा सकते हो इसका।
इरेक्शन प्रोसेस इज स्लो, इसमें क्या है, स्लो, धीरे धीरे आपको काम करना पड़ता है, लेबर को देखना पड़ता है, प्लस इन मेंबर्स को लगाना इतना आसान नहीं होता है, सो क्रेन वगैरह का बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है। ठीक है, सेस्मिक रेजिस्टेंस, लो वेट फ्लेक्सिबल फ्रेम ऑफर हायर रेजिस्टेंस टू सेस्मिक फोर्स। ठीक है, सेस्मिक के कंसिडर पॉइंट ऑफ इसे काफ़ी अच्छा रहता है ये, इसमें सेस्मिक रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसमें बोल्टिंग है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इसलिए सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू दिस। अर्थक्वेक के फॉर्म में वही चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद होती हैं जो हल्की होती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह देखे होंगे आप लोग, तो ऊपर जाते जाते बिल्डिंग का कॉलम का साइज कम करते चले जाते हैं, बिल्डिंग के बीम का साइज ऊपर जाते जाते कम करते चले जाते हैं, और स्लैब की थिकनेस भी कम करते चले जाते हैं। कमेंट करके बताओ ऐसा क्यों। बिल्डिंग जैसे जैसे हाइट पर जाती है तो उसके साइजेस लो करते चले जाते हैं, ब्रिक का भी साइज कम कर देते हैं, कॉलम का भी, बीम का भी, और कोशिश करते हैं स्लैब का भी हो जाए, ऐसा क्यों, कमेंट करके बताओ आप। और उसे बेनिफिट क्या होता है। डेड लोड बोल रहे हैं कम करना, बट डेड लोड कम करने से फायदा क्या हुआ। ये बोल रहे हैं स्टील कम यूज होता है, तो भाई फिर नीचे भी कम कर दो ना, अगर स्टील का बचत करना है तो फिर नीचे भी क्यों इतना हाई यूज कर रहे हो। करेक्ट, साजिद अली ने सही बताया और काफ़ी लोगों ने सही बताया, मतलब लगभग लगभग सबका ही कॉन्सेप्ट सेम है, और डेड लोड कम होने से मोर फ्लेक्सिबिलिटीज, ये भी आपका भी आंसर सही है। ठीक है, लगभग लगभग सबके पॉइंट एक्यूरेट हैं, बट ये जैसे कि स्टील कम, ये नहीं, ये मेन रीज़न नहीं है, डेफिनेटली एक रीज़न हो सकता है, बट मेन रीज़न क्या है, अर्थक्वेक। एक वर्ड में अगर इसका आंसर किया जाए तो मेन रीज़न है, करेक्ट, अभी इन्होंने सही बोला कि लेस ओवर टर्निंग मोमेंट ड्यू टू लैटरल फोर्स। ठीक है, जितना ऊपर चलते जाएंगे, वेट कम करते जाएंगे, उससे क्या होगा, सेस्मिक रेजिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, क्यों, ओवर टर्निंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जब ओवर टर्निंग का, क्योंकि आप हेलमेट क्यों पहनते हो, ठीक है, इसीलिए कि अगर आपका कुछ गलती से एक्सीडेंट होता है तो आप बच जाए, मतलब ओवर टर्निंग आपका हो, सिर वगैरह इधर उधर घूमा तो आप बच जाए, इसीलिए तो हेलमेट पहनते हो ना। ऐसे ही अगर बिल्डिंग्स में अगर आप देखोगे तो ऊपर जाते जाते उसको लो करते जाते हैं, जिससे एक टर्म होता है ओवर टर्निंग कम होगा, ओवर टर्निंग कम होगा तो सेस्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहेगा। दूसरा टर्म होता है कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसको थोड़ा और डीप में समझाऊँ क्या, जैसे कि जो बिल्डिंग है, ये मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये डायनेमिक एनालिसिस का पार्ट है, अभी इस पर अगर कोई भी लेटरल फोर्स पड़ रहा है तो जो बिल्डिंग्स है कितने टाइम में ये थोड़ा तो टर्न होगा ना, ठीक है, थोड़ा टर्न होगा तो कितने टाइम में वो वापस आ जाएगा, दैट इज योर टाइम पीरियड, दैट इज योर टाइम पीरियड। तो अगर ये हल्का मेंबर है तो जल्दी से जाके जल्दी वापस आ जाएगा। आप लोग देखते होंगे जो भी ह्यूमन, जो भी आदमी है जिसका वेट कम रहता है, मैक्सिमम चांसेस ऐसा है कि वेट जिसका कम है और वो हेल्दी है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी होता है, आप जैसे से ऊपर जाते जाएंगे आपको वेट कम करते चले जाना चाहिए। चलिए, ओवरऑल प्राइस 30% लोअर ही बता ही दिया, कितनी बार बताएंगे इसको। आर्किटेक्चर, ये सबसे अच्छी चीज़ है, आर्किटेक्चर अचीव्ड एट लो कॉस्ट, जो व्यू चाहिए आपको वो कम कॉस्ट में हो जाता है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि सेस्मिक वाली, क्या बोलते हैं, डायनेमिक वाली बात फिर से बोलेंगे। ओके, देखो क्या होता है ब्रदर, जैसे मान लो कि कहाँ गया भाई कर्सर, भाई अरे आ जाओ यार, शर्मा रहा है। सपोज ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग वो अच्छी है जिस पर अगर कोई भी फोर्स लगता है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो ठीक है ना, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो, उसके साथ साथ जल्दी से अगर ये थोड़ा सा राउंड करती है तो वापस अपने उस पोजीशन में फिर से आ जाए, जितना जल्दी आ जाएगी उतना अच्छा आपका स्ट्रक्चर्स है।
ठीक है। इसको आसान लैंग्वेज बताऊं तो एक मोटे आदमी को अगर धक्का दोगे तो टेढ़ा होगा तो वापस सीधा होने में उसको टाइम लगेगा, ठीक है। बट वही चीज अगर टाइगर श्रॉफ को करोगे तो उसकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है, एक बार धक्का दोगे तुरंत वो अपने पोजीशन में जल्दी से आ जाएगा। दैट मीन उसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू कोई और एक्टर है क्या जो मोटा है, ठीक है। करेक्ट, बी मेंटेन स्टिफनेस, यस। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस दोनों टर्म्स को हमको सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा ऊपर जाते टाइम वेट को रिड्यूस करिए, जिससे टाइम पीरियड कम लोगे और टाइम पीरियड जितना कम रहेगा उतनी बिल्डिंग आपकी सेफ रहती है। ये मेन शेड्यूल ऑप्शंस होता है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। कौन है ये कंपोनेंट्स, कौन है कंपोनेंट्स, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, कुछ नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं दो बार नहीं, मैं 1 घंटे के बाद आपको आधा घंटा देता हूँ पूछने के लिए सिर्फ, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि घर की ये चल रहा है, रिलेशनशिप में ये चल रहा है, पीईवी से रिलेटेड या फिर कोर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ही पूछ सकते हो, आधा घंटा आपको देते हैं लोग। मेन फ्रेम आपको बता ही दिया, अब रट गया होगा। कॉलम राफ्टर, कोई पूछे मेन फ्रेम रट देना, बोल देना उसको फटाफट। पलिंस, गेट, गटर, ब्रेसिंग, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेंबर, खत्म। सीटिंग क्या है, रूफ, वॉल एंड फैसिक, फैसिक क्या होता है अभी दिखाऊंगा, तो अगर यहाँ पे पिक्चर होगा तो, नहीं तो फिर आगे कवर करूंगा। एसेसरीज यहाँ पर वेंटिलेटर, स्काईलाइट, मिसेलेनियस, ये सारे एसेसरीज अलग अलग यूज होते हैं, कोई पानी निकालने के लिए, कोई लाइट देने के लिए, कोई वेंटिलेशन देने के लिए, ये सब पर्पज है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें चीज़ें थोड़ी सी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ एक पीडीएफ से, वो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो कुछ चीज़ें ना इसमें थोड़ा सा आपको कम दिखेंगी, जैसे कि ये लोअर है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो मैं इसका एक पीडीएफ मेरे पास है जो मैं जहाँ से मैंने लिया है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसमें मैंने दिखाता हूँ, उसी में मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे कि ब्लर मतलब जूम करके मैं आपको दिखा सकूँ। ये तो सही है, देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये क्या आपके स्काई लाइट्स यूज हुए हैं, क्या यूज हुए हैं, स्काई लाइट्स यूज हुए हैं, और ये आपके क्या है, रूफ जैक्स होते हैं, ठीक है, क्या रूफ जैक्स, और ये क्या रूफ क्लैडिंग, ये देखो क्लैडिंग्स हैं। क्लैडिंग्स के बहुत ढेर सारे टाइप्स अभी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, जैसे पीवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक, वैसे ही ये सब बहुत अलग अलग तरह के निकल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इनके जितने भी अभी मार्केट में अवेलेबल है लेटेस्ट, उनको भी कवर करूँ अपने इसी सिलेबस के अंदर, अच्छा रहेगा आपके लिए, तो अगर किसी को अपना काम करना हुआ तो ईजी रहेगा। ये सब आपके राफ्टर है, मैंने बता ही दिया, ये आपके राफ्टर है, ये आपके क्या है कॉलम है, ये भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ब्रेसिंग्स यूज हुई हैं, ठीक है, ये देखो ये ब्रेसिंग्स यूज हुई हैं, ये आपके पर्लिन्स है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो लिखा भी है, रूफ कर्व ये है, ये स्काई लाइट्स बता दिया मैंने, रिज वेंटिलेटर, पर्लिन्स, ये है फैसिका, ये देखो यहाँ पर यूज हुआ है फैसिका, ठीक है। यहाँ से ये पानी वगैरह, यहाँ से जो भी ड्रेन वगैरह का सिस्टम रहता है उसको एक स्पेस दे देता है, जिससे पानी वगैरह नीचे गिर जाए, क्योंकि यहाँ जमा होगा तो इसको खराब करेगा। ये कुछ सेक्शंस हैं जिसको इसको मैं पूरा अभी अलग से पढ़ाऊंगा, उसी पीडीएफ में से लिया है मैंने, तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा, इसको टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, बिल्ट अप क्रॉस सेक्शन, ये सब अभी आपको दिखाऊंगा अलग से। ये रट गया होगा आपको, ये याद रख लेना, राफ्टर, कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ पर रूफ सीटिंग वगैरह। देखो रूफ सीटिंग के लिए यहाँ पर देखो पहले क्या यूज हो रहा है, पहले पर्लिन यूज हो रहा है, फिर रूफ सीटिंग यूज हो रहा है, तो ये सेक्शन है एक तरीके से उसका, ठीक है। पर्लिन यूज करके तब रूफ सेक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये क्या है आपका, ईवे स्ट्रक्ट है, ठीक है, ईवे स्ट्रक्ट है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको कॉर्नर से, ठीक है, और ये ईवे हाइट्स होती है। और यहाँ पर आपको 200 mm, 150 mm, 250 mm तक एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है, जैसे कि जो भी ब्रेसिंग्स वगैरह हम यूज कर सकें, तो वॉल क्लैडिंग इसके बाद से प्रीफर करते हैं लगाना, जिसे ऊपर ऊपर से वॉल क्लैडिंग रहे, स्पेस रहे बीच में। ये देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर भी देखो स्पेस निकाला गया है, तो इस तरीके से आपके पास ये देखो फाउंडेशन से आपके बड़ा आसान होता है, इसकी बेस प्लेट वगैरह ये सब हम लोग डिज़ाइन करके देखेंगे, सो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये बेस प्लेट आपकी यहाँ पर लगी हुई है, ये डायगोनल ब्रेसिंग से, ये देखो ऐसे क्रॉस में, और ये पलिन तो आपको दिखाई दिया मैंने, जेड पलिन, ये देखो सी पलिन्स, और ये आपके ये जो आई सेक्शन कॉलम्स है वो यूज हुए हैं यहाँ पर। ये अलग अलग तरह के उसमें ईवे स्ट्रक्ट एंड वर्टिकल मेंबर्स होता है क्या, यस,
वर्टिकल में बस होता है। और यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के वेस्ट और गटर कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग कहाँ पर किस तरह के सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उस तरह से बनाया जाता है। देखो कहीं पर वैली गटर यूज करते हैं, कहीं पर प्रोफाइल्ड, और कहीं पर ग्रेसेस सेक्शंस, कहीं पर गैबल। ये एक तरीके से कह सकते हो गुटका बोल सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं गुटका। तो जिस तरह की जहाँ रिक्वायरमेंट है बॉक्स गटर, ठीक है, कॉर्नर फ्लसिंग्स, और इसके बाद ईवे गटर कोड, ठीक है। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया क्या भाई, मैं व्हाट्सएप पे नहीं जा सकता इधर क्लास से। पोर्टफोलियो ईवे गटर्स, ये सब के भी एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग एक एक करके, ब्रीफ में देखेंगे एप्लीकेशंस इसके। हाँ जी, कन्वेंशनल में भी बॉक्स ग्रह होता है, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों फॉर्म में कन्वेंशनल में भी यूज करते हैं। डायरेक्ट कभी भी कॉलम के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते ना सीट्स को। ये देखो आपके पास पर्लिंस आ गई है, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। भाई ये जो पर्लिंस होती है बहुत पतली होती है, कितने एमएम की होती है, 1.5 से 3 एमएम तक की होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कितना स्पेन जाना है उसके हिसाब से यूज करेंगे थिकनेस, तो 1.5 से 3 एमएम तक की लेते हैं। अप टू अगर आप 12 मीटर तक जाते हो तो बेस्ट है, ठीक है, 12 मीटर तक आप इसके थ्रू जा सकते हो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सीआर स्टील यूज करते हैं, जिसके लिए 513 ग्रेड यूज करते हैं। और ये आपका ये कोड होता है जो हम लोग इसको यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। इस यू भी यूज करेंगे, IS 800 यूज करेंगे, IS 875 भी यूज होता है इसमें, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग इसको यूज करेंगे सारे के सारे IS कोड्स हमारे यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है। इल्ड स्ट्रेंथ इसका जो होता है वो 245 MPa से 345, सबसे अच्छा वाला जो होता है 345 तक होता है, और जो नॉर्मल वाला होता है 245 MPa का, जिसमें हम लोग अलग अलग गैलोनाइज, पेंटेड, अलग अलग टाइप्स के इसमें पर्लिंस मार्केट में अवेलेबल है, जो हमको यूज हम करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के बजट के अकॉर्डिंग। प्राइमर से उसको फिनिश कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें जिंक, क्रोनाइट और रेड ऑक्साइड, मतलब जंग वगैरह न लगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं क्रोजन से सेफ्टी करने के लिए। तो ये है आपका क्या, पर्लिंस, ठीक है। अब पलिंस में अलग अलग डायमेंशंस आप देखने आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पर कौन सा, जैसे कि यहाँ पर देखो ये कुछ डायमेंशन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, ये जैसे 66 है, तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम रखा गया है, 64, ये आपका यहाँ पर 16 रखा गया है। तो ये अलग अलग डायमेंशंस है सी के लिए, और ये भी आपका सी के लिए है, और ये आपका सी ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई सेड वगैरह लगा है तो आप ऐसे भी बनवा सकते हो, प्लस मार्केट में ये ऑलरेडी अवेलेबल है इस तरह के पर्लिंस। मैंने बोला था कि रूफिंग के लिए भी बहुत ढेर सारे टाइप्स के मटेरियल आ चुके हैं, कुछ इसमें ऐड हैं, और आगे मैं और बताऊंगा कि कौन कौन से पैनल्स आप यूज कर सकते हो इसके लिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपने अभी देखा होगा हार्डवेयर की दुकानों पर मिल जाते हैं ये, तो SM120 इज द सुपीरियर वर्ल्ड क्लास फाइनेस्ट रूफिंग एंड वॉल क्लैडिंग प्रोफाइल इन इंडिया, ठीक है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर यही वाला यूज़ होता है, ठीक है। पहले आप अगर नॉर्मल कन्वेंशनल में देखोगे तो वो जो सीमेंट की सीट होती थी वो ज़्यादा यूज करते थे, इसमें अभी ये सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और इसमें अच्छी चीज़ होती है कि हीट ऑब्जर्वर भी होता है, तो डायरेक्ट हीट अंदर नहीं जाने देता है। स्पेन एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एप्लीकेशंस, यस, और क्या बोलते हैं, और फुल्ली ऑटोमेटिक CNC रोल फॉर्मिंग एंड हाइड्रोलिक कंट्रोल ऑफर सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो मतलब कुल मिला के ये जो MS सीट होती है काफ़ी अच्छी रहती है जी। तो ये देखो MS 120 यहाँ पर नंबर है, तो इसका जो विड्थ, हमेशा विड्थ जो रहता है हमेशा फिक्स रहता है, लेंथ अलग अलग रहता है, लेंथ 6 फीट की भी आती है, 10 फीट की भी आती है, 8 फीट की भी आती है, तो इसके अलग अलग, बट ये 1 मीटर का ही रहेगा। और थिकनेस आपका ये इतना थिकनेस है, स्टैंडर्ड कलर जो भी मार्केट में, ये मतलब ये हमारे लॉजिक से थोड़ा बाहर का है, बट आपको पता होना चाहिए कि रूफ पैनल कौन कौन से मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई डिज़ाइन करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने अभी वो वाली जो स्लाइड थी बीच में रोकी थी, क्योंकि आपको डिज़ाइन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि डिज़ाइन के टाइम पर क्या क्या फोकस करते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। द मेन फ्रेमिंग ऑफ PEB सिस्टम इज एनालाइज बाई स्टिफनेस मैट्रिक्स मैथड, ठीक है। अगर मैनुअली करोगे, ठीक है, मैनुअली बहुत कम लोग करते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स मैथड से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। द डिजाइन इज बेस्ड ऑन एलाउबल स्ट्रेस डिजाइन एज पर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, IS 800
का रूल फॉलो करते हैं, उसके मेथड से करते हैं इसको डिज़ाइन। लेकिन अभी सभी लोग ज़्यादातर स्टैट प्रो नहीं तो फिर टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर यूज करते हैं। द डिज़ाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ चीज़ें जो आपको डिज़ाइन के टाइम पे याद रखनी चाहिए जिसको देख के डिज़ाइन करना है। पहली चीज़, सेटअप सेक्शन साइज एंड ब्रेस लोकेशन बेस्ड ऑन द जियोमेट्री एंड लोडिंग स्पेसिफाइड फॉर द फ्रेम डिज़ाइन। ठीक है, पहले ही आपको डिज़ाइन नहीं करना है, पहले ये देखना है कि उसका आर्किटेक्चर पॉइंट क्या बोल रहा है, मतलब लुक कैसे देना है। अब उस लुक के अकॉर्डिंग ही आपको साइजेस डिसाइड करने हैं। सपोज मुझे यहाँ पर एक वेयर हाउस तैयार करना है, तो मैं इसके लिए क्या लुक डिसाइड कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ब्रेसिंग्स यूज कर रहा हूँ, तो अब इसके हिसाब से मुझे साइज देखना पड़ेगा, क्या साइज यूज कर सकते हैं इस फ्रेम के लिए। और वो किस पे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे देख के मोमेंट, सियर और एक्सियल फोर्सेस। नहीं यार स्क्रीन दिख रहा है ऐसा, तुम एक बार लेफ्ट हो के आ जाओ, हमारा हम भी यहाँ पर चला के रखते हैं ना लेक्चर अपने मोबाइल में, तो मेरे में दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो वो किस पे डिसाइड होता है, डिसाइड होता है मोमेंट को देख के। ठीक है, अच्छा स्लाइड स्टॉप है ऐसा क्यों, मेरे में तो सही दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा नाउ स्विंग, ओके ओके गॉट इट, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। नहीं, राहुल हो रहा है स्क्रीन चेंज। हाँ यार थोड़ा सा रूफ तो दिखा है, रूफिंग वॉल आ गया है, ये भी आ गया है, मैं भी यहाँ पर ओपन करके ही रखा हूँ, अभी तो हो रहा है ना, जल्दी नहीं हो रहा है। ओके ओके हो रहा है, चलो थोड़ा बहुत दिल के अरमां आंसू में भागे, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। चलो ओके कमलेश, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखो, ये इंट्रोडक्शन में हमको बस यही समझना है कि पीवी में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अगर इंटरेस्ट पैदा हो गया ना, तब आप इसको फाड़ दोगे कैसे भी करके, इतना इसमें प्रैक्टिस कर डालोगे कि आप कैरियर बना ही लोगे। लेकिन मेन है इंटरेस्ट, तो मेरा काम वही है कि सबसे पहले मैं आपका इंटरेस्ट जगा दूँ इस एक नए डोमेन में, क्योंकि इस डोमेन के बारे में बहुत कम आपने कॉलेज में पढ़ा है, बहुत कम आपने सुना है, बहुत कम लोगों ने बताया भी है। तो इसलिए मेरा वही फोकस है कि जितना हो सकता है इसके डीप में जा सके हम लोग। तो भाई देखो, उसको डिसाइड करने के लिए जो भी से साइजेज हैं, तो पहले देखना पड़ेगा मोमेंट क्या है, तब तो डिसाइड करोगे। केवल मोमेंट थोड़ी काम हो जाएगा भाई, सीयर भी तो देखना पड़ेगा। अब ये मत बोलना सीयर क्या होता है सर, किसी को नहीं पता है तो मैसेज करो तो बताएंगे। एक्सियल फोर्स भी तो देखना पड़ेगा, एक्सियल मतलब ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। एट ईच एनालिसिस पॉइंट फॉर ईच लोड कॉम्बिनेशंस, उसको मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि भाई सीयर कितना आ रहा है, सीयर मतलब वो उस पर कितना हमारा लोड आ रहा है। ठीक है, और एक्सियल कितना लोड आ रहा है, मतलब कॉलम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, प्लस मोमेंट कितना आ रहा है उन फ्रेम्स पे, उसके बेस पर देखना चाहिए हमें कि भाई हम कितना इसमें क्या बोलते हैं साइजेस रख सकते हैं। डेफिनेटली वो हम लोग सिर्फ एज्यूम करेंगे, डिसाइड करने वाला सॉफ्टवेयर है या फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड है, जो कि बहुत लेंदी होता है, इससे कोई नहीं यूज करता है, तो हमें उससे पता चल जाएगा ये पास होगा कि फेल होगा। क्या पता चल जाता है, पास होगा कि फेल होगा। और क्या देखते हैं भाई, कंप्यूट अलाउबल सीयर, ये देखा जाता है कितना कहाँ तक अलाउ कर सकते हैं हम सीयर को, कितना एक्सियल लोड अलाउ है और कितना बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस इन कंपेरिजन एंड टेंशन ईट एट ईच एनालिसिस पॉइंट। हर जगह पे देखेंगे अलाउबल जितना बेंडिंग है उसके अंदर ही बेंडिंग आ रहा है क्या, जितना एक्सियल अलाउबल है उतने उसके अंदर ही आ रहा है क्या, जितना सीयर अलाउ है उसके अंदर ही आ रहा है क्या। इफ यस, तब ऑल इज वेल हो जाएगा। ठीक है जी, तो कंप्यूट द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस रेशियो फॉर सीयर, एक्सियल एंड बेंडिंग बेस्ट, तो इन तीनों टर्म्स को एक मेंटेन करना पड़ता है कि भाई इसके इस रेशियो जो है इसके कंबाइंड रहे, ज़्यादा इफेक्ट ना आए। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एक्सियल बहुत ज़्यादा आ गया और एक्सियल के में आप सेफ हो, सीयर और बेंडिंग में सेफ नहीं हो तो बेकार है, बेंडिंग में सेफ हो, इन दोनों में सेफ नहीं हो तो बेकार है। तो आपको हर टर्म्स को मेंटेन करना पड़ेगा, उनके रेशियोज को देखना पड़ेगा। डिजाइन द ऑप्टिमम स्प्लाइस लोकेशन एंड चेक टू सी वेदर द प्रिडिक्टेड साइज कन्फर्म टू मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या करना है, जो आपने प्रेडिक्ट किया है कि अप्रॉक्स ये साइज काम हो जाएगा हमारा, ठीक है अभी दिखाऊंगा स्टैट प्रो में, 2-3 दिन 3-4 दिन बाद आ जाएगा कि उसमें जितना मैंने प्रेडिक्ट किया है क्या वो ओके है क्या,
मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोल सकते हैं क्या भाई इतने इतने साइज लगा दो, तो कौन डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेंगे, ठीक है। यूजिंग द वेव ऑप्टिमाइज मोड अराइव द ऑप्टिमम वेव डेप्थ एंड द नेक्स्ट साइकिल अपडेट द मेंबर डाटा फाइल्स। व्हाट आर द एनालिसिस पॉइंट, एनालिसिस पॉइंट में हमको यही देखना पड़ता है तीन सबसे मेन पॉइंट, एक्सियल, बेंडिंग और सीयर, ठीक है, यही तीन इसकी जान है। एट द एंड ऑफ ऑल डिजाइन साइकिल्स एन एनालिसिस इज रन टू अचीव फ्लेंज ब्रेसिंग ऑप्टिमम साइज, मतलब कुल मिला के उससे हमें ऑप्टिमम करना पड़ता है, कितना कम साइज यूज कर सकते हैं, यही तुम्हारा फायदा होगा ना सॉफ्टवेयर को यूज करने से, कितना हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज सबको पता है कि अगर हैवी सेक्शन रहेगा तो फेल क्यों होगा, बट अगर हमारा पैसा ही नहीं बचा तो हम डिज़ाइन के लिए तुमको क्यों पैसा देंगे, तुम अगर डिज़ाइन इंजीनियर हो तो हम तुम्हें पैसा क्यों देंगे, पैसा इसीलिए दे रहे हैं कि तुम्हारा पैसा बचाओ, तो उसके लिए हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा। ये कुछ कोड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो और लोग यूज करते हैं, अमेरिकन कोड्स हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं जैसे मेटल बिल्डिंग्स के भी कोड्स हैं, और अमेरिकन ने कई ढेर सारे अभी इंडियन कोड अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इनको भी यूज करना पड़ेगा अलग अलग वर्क के लिए अगर हमको डाटा देखना है तो। अभी बताता हूँ कि क्यों अवेलेबल नहीं है इंडिया में, उसका भी रीज़न बताता हूँ, क्योंकि इसकी हिस्ट्री ऐसी है। डिज़ाइन क्राइटेरिया है, बट क्राइटेरिया अभी कन्फ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैं क्राइटेरिया ना बता के थोड़ी सी ये आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए, बट क्राइटेरिया मैं आगे की क्लास में डिस्कस करना पसंद करूंगा, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई ये भाई साहब के लिए अमेरिकन कोड ही ज़्यादातर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। क्राइटेरिया हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका, और इसके बाद डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, बहुत मज़ेदार है ये वाला आगे के पॉइंट्स, बट हम कल इसको डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ने के लिए दे देंगे इसको। आओ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अमेरिकन कोड ही क्यों इसके लिए यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा पीवी के हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि इसका इतिहास क्या बोलता है। ड्यूरिंग द 1960s, ठीक है, देखो मैं मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर जान रहे हो तो थोड़ा सा उसके बारे में भी मतलब उसके बैकग्राउंड के बारे में भी जानो, अगर बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानोगे तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है। ड्यूरिंग द 1960s द स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिजाइन फॉर बिल्डिंग्स वर फर्स्ट मार्केट एज पीईबी, ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका बूम आया मार्केट में, ठीक है, पीईबी की जो इंडस्ट्री है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समझ में आया कि जल्दी काम हो सकता है इस तरह से, तो वहाँ से बूमिंग स्टार्ट हुई थी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स की, एक तरीके से बोल सकते हैं इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था, बट 1960 से सही तरीके से ये चलने लगा। बट स्टार्टिंग में क्या था कि द प्राइमरी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स इज एन असेंबल्स ऑफ आई सेक्शन मेंबर्स ऑफन रिफर्ड एज आई बीम्स, तो आई सेक्शन ही ज़्यादातर यूज करते थे जब स्टार्टिंग में इसकी कह सकते हो इन्वेंशन जब हुआ तो। अब मैं आपको इतना थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया ये, तो इसको मैं समराइज करके आपको दे देता हूँ। पहले स्टील की बिल्डिंग्स हम लोग नहीं बनाते थे, ठीक है, मतलब पहले हम लोग क्या यूज करते थे, आप सबको पता होगा अगर मूवीज़ वगैरह हम देखा है तो, पहले हम लोग टिम्बर के हाउसेस बनाते थे, किसके हाउस बनाते थे, टिम्बर्स के हाउस बनाते थे, और या फिर मिट्टी के हाउस बनाते थे, मिट्टी के घर बनाते थे या फिर लकड़ियों के घर बनाते थे, अभी भी कई कंट्रीज में बनाते हैं। पहली बार 1796 में, ठीक है, 1796 में पहली बार किसी ने स्टील को यूज किया क्या बनाने के लिए, ब्रिटिश कॉटन मिल्स, क्या बनाने के लिए भाई, कॉटन मिल्स, ये पीईबी नहीं था, ये केवल स्टील का ऐसे जैसे सोचा गया कि स्टील का कुछ बनाते हैं, तो 1796 ईस्वी में स्टील का एक कॉटन मिल्स तैयार किया गया, उसके बाद 18 सेंचुरी में ट्रेंड में आने लगा थोड़ा थोड़ा ये, और 19 सेंचुरी में काफ़ी डेवलप हुआ, और 1859 में कंस्ट्रक्ट किया गया कॉपर यूनियन बिल्डिंग्स इन न्यूयॉर्क सिटी, तो माना जाता है कि सबसे पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ था स्टील में तो ये सही तरीके से हुआ था, कॉपर यूनियन बिल्डिंग्स इन न्यूयॉर्क सिटीज़, वहाँ पर इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब आप बोलो कि सर ये पीवी में हम लोग कैसे आए, ठीक है, तो पीवी में यहाँ से आए न्यूयॉर्क सिटी से, कैसे, न्यूयॉर्क में या फिर यूएस में स्टील बहुत कॉस्टली है, ठीक है, कंपेयर टू आवर कंट्री उनके यहाँ पर स्टील बहुत कॉस्टली है, तो
पता तो चला कि भाई वर्ल्ड वार के बाद पता तो चला कि भाई फायदा तो है कि क्या बोलते हैं स्टील सेक्शन जल्दी जल्दी काम हो जाता है, बट कॉस्ट बहुत लग रही थी। तो यहीं पर इन्वेंट किया गया कि अगर इस चीज को बेंडिंग मोमेंट मेथड से अगर देखा जाए तो इसके स्टील को बचाया जा सकता है। और जब पता चला कि 30% तक बचाया जा सकता है तो भाई 1960 के बाद से ट्रेंडिंग में आना स्टार्ट हो गया, और अपने इंडिया में तो अब ट्रेंडिंग में आया है बट यहाँ पर बहुत पहले, अब मतलब 25-25 साल तक के आसपास मुझे आइडिया लग रहा है कि 25 साल से अपडेट है इंडिया में। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। और उसके बाद फिर लोगों ने फिर गैरेज वगैरह बनाना स्टार्ट किया, फिर 1917 में प्री इंजीनियरिंग मेटल बिल्डिंग्स लोगों ने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको अगर पढ़ना रहेगा तो आप खुद ही पढ़ सकते हो इस चीज़ को। और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का पहली बार 1917 में एक मेटल बिल्डिंग्स तैयार किया गया, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 20 सेंचुरीज में बहुत तेज़ी से फेमस हुआ। एयरप्लेन के लिए हैंगर बनाने लगे हम लोग, देखो यहाँ पर लिखा है बिटवीन वर्ल्ड वॉर मेटल एयरप्लेन हैंगर बनाने लगे, और हट हाउसेस बनाने लगे, मेटल बिल्डिंग्स बनाने लगे, फिर बहुत सी चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाने लगे। तो ट्रेंडिंग में ये बढ़ता चला गया, और टूडेज मेटल बिल्डिंग्स आर कुलमिनेशंस ऑफ सेंचुरीज ऑफ इनोवेशंस एंड फॉरवर्ड थिंकिंग बिल्डिंग डिजाइन, रिजल्टिंग इज सम ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड एनर्जी इफिशियंट एंड अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन अवेलेबल। तो मतलब आज के टाइम में बहुत कुछ अवेलेबल हो गया, बट फर्स्ट टाइम जब थॉट किया गया स्टील बिल्डिंग्स के बारे में तो कब किया गया था? अगर कोई पूछे तो आप उनको थोड़ी सी हिस्ट्री बता सकते हो कि हमें 1796 में पहली बार एक कॉटन मिल बनाया गया ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटिश कॉटन मिल बनाया गया, और फिर सही तरीके से एक बिल्डिंग जो बनाई गई वो ये बनाई गई 1859 में कॉपर यूनियन बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर के बाद तो पीवी सेक्शन बूम पे आ गया। और सही तरीके से ट्रेंडिंग का अगर कोई ईयर पूछता है तो आप उसको बता सकते हो 1960 से हम सही तरीके से इसको यूज करने लगे। और इंडिया में जो मेरा अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया है बट 25 साल के आसपास ही इंडिया में काफ़ी अच्छे से चल रहा है पीईवी। चलिए, तो होप आपको पीईवी का इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि भाई ये पीईवी ऐसा होता है, पीवी में बेनिफिट पता चल गया होगा, डिजाइन के लिए क्या क्या टर्म्स जैसे कि मोमेंट है आपको इम्पॉर्टेंट है भाई, एक्सियल लोड इम्पॉर्टेंट है, सीयर इम्पॉर्टेंट है, तो ये पता चल गया होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्या पता चला होगा? कि पैसे बहुत बच रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, और पता चला होगा कि स्पेन्स आपके बड़े बड़े आप स्पेन यूज कर सकते हो जिससे कि एयरपोर्ट हैंगर वगैरह इजिली बना सकते हो, ये भी बेनिफिट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये बताइए यहाँ तक में कुछ डाउट आया क्या आप सब में से किसी को भी कोई डाउट आया यहाँ तक में? अमेरिकन कोड कौन कौन सा यूज होता है हम सारा देंगे भी और दिखाएंगे भी कि भाई इस कोड से हम ये चीज़ें लेते हैं बिलाल, आगे हमने एक स्लाइड बना रखा है उसके लिए, बस 1-2 दिन की और बात है। लगभग 1 हफ्ते हम लोग का डिटेल इंट्रोडक्शन पीवी में ही रहेगा। आज इंट्रोडक्शन था, कल एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग कि अगर ये सेक्शन है तो इसके कितने ब्रीफ है और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे मॉडलिंग पे, फिर एनालिसिस, फिर डिटेलिंग्स वगैरह वगैरह। यहां तक में किसी को कोई डाउट आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आप अपना फीडबैक जरूर देना क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि हाँ समझ में आया। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो भी बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। ठीक है, मे बी किसी ने पहली बार देखा होगा तो उसको डाउट रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ भी सभी लोग लगभग लाइव है तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि क्लास में डॉट टाइम पर आना ब्रदर सब लोग। ठीक है, डॉट टाइम पर आने से फायदा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पता चलता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि हम तो प्लान है ना कि हम 1 घंटे में क्या क्या पढ़ने वाले, हमारा हमारे माइंड में तो प्लान है। आप अगर बीच में आओगे तो लॉस हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक कहाँ चल रहा है और पूरी नैया डूब जाती है आपने की। तो अगर आपको लगता है कि 20-25 मिनट लेट हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे के बाद देखोगे ऑटोमेटिक ऐप के ऊपर ये लेक्चर आ जाएगा। 1 घंटे के बाद ऐप के ऊपर लेक्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप वहां से कवर कर लो, बट बीच में मत एंट्री करो, वो उसमें आपका बेनिफिट है कि क्या बोलते हैं आपको समझ में आएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि लिखने का बवाल मत पाला करो, लिखोगे तो इधर ध्यान नहीं दोगे, एक ब्रेन इधर रहेगा एक ब्रेन उधर, न इधर रहोगे न उधर के, हम सब अवेलेबल करा देंगे,
आपके ग्रुप में ही मिल जाएगा ऐप पर ही, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो लिखने का कोई बवाल नहीं। रिकॉर्डिंग में 5 साल के लिए दे रहा हूँ, बहुत बड़ा टर्म है 5 साल, कहाँ से भूलोगे, कुछ भूले तो आके रिकॉल कर लो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सब लोगों ने फीडबैक दिया, जिसने जिसने भी, और जो अपने रजाई से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहता उसको भी थैंक यू। ठंड बहुत हो गई है अभी लोगों के पास, पुणे में तो बहुत अच्छा है, देखो एकदम नॉर्मल वेदर है। चलिए, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। मेरी चाय आ गई है, किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, इनका डाउट है कि डेस्कटॉप पे डाउट डेस्कटॉप पर स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, बता देता हूँ कैसे करना है। बिलाल बोल रहे हैं कि पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ आपको अभी ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा, जो अपना ऐप पर ग्रुप है ना उसी में डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट बिलाल। चलो, और मैं अभी ईमेल आईडी भी सबका ले लूंगा ना, तो ईमेल आईडी पर भी भेज दूंगा सबको, एक साथ ही एक ग्रुप बना दूंगा, एक्सेल का बनाया था वैसे ही। चलिए, कि ये बोल रहे हैं, इनका एक डाउट है कि सर ऐप पर मतलब लैपटॉप पे स्टार्ट कर रहा था तो नहीं हुआ, तो बता देता हूँ कि भाई लैपटॉप पर कैसे लेक्चर चलाना है। देखो, लैपटॉप पे चलाने के लिए आपको यहाँ जाना है, लिखना है www.classplusapp.com, इतना तो कर ही लोगे, ऐसा रह गया, मैंने कुछ गलत डाल दिया क्या? अरे वो क्लास प्लस बेव है यार, वो सॉरी मैंने गलत दे दिया क्या? app.wav शायद ये वाला है, हाँ ये डॉट वेव है यार, अगर ऐप डाला होगा ये .com डाला होगा तो नहीं चला होगा। बस यहाँ पर जाना है www.classplusapp.wav, इस पर क्लिक किया। ओ सॉरी 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 सॉरी, मेरा तो लॉगिन है ही क्योंकि मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी, तो ये देखो इस तरीके से डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, बस इस तरीके से ही करना है। सब बोल रहे हैं कि सर हाईराइज में पार्टिकल बीम्स के लिए पीवी स्टील यूज कर सकते हैं? यस, यूज कर सकते हैं। किसी ने और पूछा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि मैक्सिमम क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने साहब ने पूछा है कि व्हाई आई सेक्शन इज प्रीफर्ड फॉर पीवी? सर, आई सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो किसी सेक्शन में होता है तो वो आई सेक्शन में होता है गाइस। ठीक है, आई सेक्शन की जो सीजी होती है वो हमेशा सेंटर में होती है, आप सबने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तो उसमें जो स्ट्रेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर सेक्शंस, इसीलिए कॉलम कहीं पर भी देखोगे तो मैक्सिमम केस में आई सेक्शन ही यूज करते हैं। कहीं कहीं पर चैनल यूज करेंगे बट डबल चैनल यूज करते हैं हमेशा, डबल चैनल, आई सेक्शन बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे जो भी एपिसोड होगा नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चीज़ें करेंगे, नेक्स्ट में एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन एंड और क्या बोलते क्या बोलो और जाइए इंजॉय करिए मजे करिए, बट हो सके तो क्या बोलते एक बार पीडीएफ को रिकॉल कर लीजिएगा, बस इतना सा आपको बोलना चाहूँगा। ठीक है, मज़ा बहुत आएगा, एकदम टेंशन फ्री रहना, रटा दूंगा इसकी गारंटी देता हूँ, रट जाएगा आपको पीवी, रट जाएगा, इसकी पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।